हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो हम यहां पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको पता होगा कि हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप ऑटोमेशन के सेक्टर में हैं तो वहाँ पर तो आप लोग बिना क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के काम ही नहीं चलता है अपना। ठीक है, हम लोगों को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे यूज़ करना होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा, जो जो लोग यहाँ पे सीएनसी मशीनों पे काम करते हैं ना, सीएनसी मशीन चाहे वो फानुक का कंट्रोलर हो या सीमेंस का कंट्रोलर हो, वो लोग भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे काम करते हैं। अब वो कहाँ पे करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं किसी सिस्टम के ऊपर और हमको पता भी नहीं होता है कि ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है या फिर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पूरा यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर हम इसके लाइव एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। इसके तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है यहाँ पे हमारा फीडबैक एलिमेंट, और दूसरा होता है कंट्रोलर, और यहाँ पे तीसरा होता है कंट्रोल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम में ये तीनों कहाँ पे हैं, जो अपना फीडबैक एलिमेंट है, फीडबैक एलिमेंट अपना ये वाला है, कंट्रोलर अपना, ये दोनों कंट्रोलर है हमारे। अब जो हमारा कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के अंदर भी दो एलिमेंट होते हैं। अब वो दो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, पहला यहाँ पे एरर डिटेक्टर होता है और दूसरा है हमारा कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, तो ये एलिमेंट होते हैं हमारे एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम काम किस तरीके से करता है ये आप थोड़ा सा समझ लो। इसका एक मैं आपको सिंपली ना एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग सीएनसी मशीनों के ऊपर काम करते हो तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे उन सब चीज़ों से, और अगर आप नहीं भी करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हमारी सर्वो मोटरें होती हैं या फिर जो हमारी सीएनसी मशीनों में जो हमारी चाहे वो स्पिंडल मोटर हो या फिर सर्वो मोटर हो, वहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या किया जाता है। वहाँ पे सबसे पहले तो एक ड्राइव होती है, ये अपनी ड्राइव है। ठीक है, अब इस ड्राइव से हमने क्या काम किया होता है, इस ड्राइव से हमने सर्वो मोटर को ऑन किया हुआ रहता है, ये हमने सर्वो मोटर को कंट्रोल किया है। उसके बाद हमने सर्वो के साथ में ही क्या किया हुआ रहता है, सर्वो के साथ में यहाँ से नहीं, इसको हम लोग यहाँ से नहीं लेते, इसको हम लोग लेते हैं यहाँ से, सर्वो मोटर के साथ में ही हम लोगों ने एक क्या लगाया रहता है, यहाँ पे हम लोगों ने एक इनकोडर लगाया हुआ रहता है ना, इनकोडर रहता है, और उस इनकोडर की वायर हमने दी हुई रहती है अपने ड्राइव में। तो ये हो गया अपना इनकोडर। ठीक है, उसके बाद ये अपने इनपुट हो गई और ये वाला हो गया अपना आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ड्राइव लगा रखी है ना, इसी ड्राइव के अंदर हमारा एरर डिटेक्टर होता है और कंट्रोल एलिमेंट होता है, यानी कि ये कंट्रोलर जो है ये पूरा का पूरा कंट्रोलर है हमारा, ये हमारा एक कंट्रोलर है। अब ये एक ये दोनों ही एलिमेंट जो होते हैं ये इस ड्राइव के अंदर होते हैं। अब ये कंट्रोल प्रोसेस जो है ये अपना मोटर है, और यहाँ पे इनकोडर जो है ये हमारा फीडबैक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए कि अभी मान के चलो हमने ड्राइव में हमने कोई भी हमने आरपीएम सेट कर दिया कि भाई मेरे को इतना आरपीएम चाहिए। अभी मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 2000 आरपीएम चाहिए, मेरे को 2000 आरपीएम मैंने ड्राइव में सेट कर दिया। तो अभी क्या होगा, अभी जो अपना फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो रहता है, या फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मीन्स जो अपना क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोग जैसे ही हमने इसमें ड्राइव को कमांड दिया कि भाई आपको 2000 आरपीएम पे चलना है, तो 2000 आरपीएम पे चलने के बाद ड्राइव क्या काम करता है, जो अपना ड्राइव तुरंत सिग्नल देता है सर्वो मोटर को, सर्वो मोटर हमारी रोटेट होती है, रोटेट होने के बाद जो सर्वो मोटर से हमको आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट को चेक करता है इनकोडर, उस आउटपुट को सेंस करता है इनकोडर, और इनकोडर उसके बाद इस आउटपुट को यहाँ पे ड्राइव को, जो अपना ड्राइव है यानी कि जो अपना कंट्रोलर है, कंट्रोलर को फीडबैक देता है। उसके बाद कंट्रोलर क्या काम करता है, इस फीडबैक को इनपुट सिग्नल के साथ में चेक करता है, जो भी हमने इसको इनपुट सिग्नल दिया था ना 2000 आरपीएम, इस इनपुट सिग्नल के साथ में इसको कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद ये जो भी एरर होता है उस एरर के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे 2000, अगर मान के चलो यहाँ पे ज़्यादा आरपीएम चल रहा है, यहाँ पे 2050 आरपीएम चल रहा है, तो वो क्या काम करेगा, आरपीएम कम कर देगा। अगर कम आरपीएम यहाँ पे चल रहे हैं तो उसको बढ़ा देगा। तो यहाँ पे एरर किसको बोला जाएगा, एरर बोला जाएगा डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल्स,
इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे एरर। तो यहाँ पे जो एरर डिटेक्टर जो होता है वो एरर को डिटेक्ट करता है, जितना भी आपका एरर है उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल एलिमेंट को आगे सिग्नल देता है। कंट्रोल एलिमेंट उसके बाद क्या काम करता है, अपना जो कंट्रोल प्रोसेस है उसको, जो भी हमने यहाँ पे इनपुट इसको दिया हुआ है, इनपुट जो भी वैल्यू हमने इसको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमारे आउटपुट को सिग्नल देता है और ये आउटपुट हमारी चलती है। उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि हमारे घरों में एसी लगा हुआ रहता है, उस एसी में भी क्या काम करते हैं हम लोग, मान के चलिए हमने 20 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर सेट कर दिया। तो अभी क्या रहता है कि मान के चलो अगर रूम का टेम्परेचर डाउन जाएगा, डाउन मीन्स रूम का टेम्परेचर अगर 20 से अगर 19 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पे इसके अंदर जो हमने कंट्रोलर जो लगा रखा है वो कंट्रोलर क्या काम करेगा, वो ऑटोमेटिक कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, ठीक है। और जैसे ही ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो वो कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तो ऐसा कैसे हो पाता है, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि एसी में क्या रहता है, एसी में हम लोग टेम्परेचर सेंसर यूज करते हैं, ठीक है, जो कि टेम्परेचर को सेंस करते हैं, टेम्परेचर सेंसर उसमें लगे हुए रहते हैं। दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर क्या काम करते हैं, आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद अब ये रूम के टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, वो फीडबैक ले रहे हैं, वो रूम से फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है। तो एसी के केस में आउटपुट अलग थी और यहाँ पे मोटर के केस में आउटपुट अलग थी। मोटर के केस में क्या हम क्या काम करते हैं, जो मोटर की जो शाफ्ट होती है शाफ्ट के साथ में हम लोग इनकोडर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर रोटेट करती है तो मोटर के रोटेट करते ही हमारी इनकोडर भी रोटेट करता है और यहाँ पे पता लग जाता है कि भाई हमारा जो मोटर है मोटर की शाफ्ट हमारे कितने आरपीएम पे रोटेट कर रही है। लेकिन एसी के केस में अलग है, एसी के केस में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग ने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेंसर क्या काम कर रहा है, वो रूम के टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। सेंस करने के बाद हमारे एसी के कंट्रोलर को वो फीडबैक दे रहा है कि भाई आपके रूम के टेम्परेचर अभी फिलहाल में मान के चलो 24 डिग्री सेल्सियस है। तो वो क्या, अब यहाँ पे कंट्रोलर क्या काम करेगा, कंट्रोलर अभी एसी के कंप्रेसर को 20 डिग्री सेल्सियस आने तक, रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आने तक कंप्रेसर को चालू रखेगा और उसके बाद जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो वो मान के चलो आपके कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, ठीक है, या फिर 20 से डाउन जाएगा तो आपके कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। तो ये बता कौन रहे हैं, ये बता रहे हैं आपका फीडबैक एलिमेंट। अब फीडबैक एलिमेंट क्या हो सकता है, फीडबैक एलिमेंट आपका इनकोडर हो सकता है, फीडबैक एलिमेंट आपका टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, फीडबैक एलिमेंट आपका थर्मोकपल हो सकता है, ठीक है, थर्मोकपल हो सकता है, थर्मोस्टेट हो सकता है, ठीक है। ये सारे जो है ये फीडबैक सिस्टम है। अब यहाँ पे एक मान लो फर्नेस है तो फर्नेस के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, फर्नेस के अंदर जो हमारे हीटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे हम लोग जो हमारा कंट्रोलर होता है टेम्परेचर कंट्रोलर में हम लोग सेट करते हैं ना वैल्यू, हम लोग सेट करते हैं कि भाई मान लीजिए नंबर को दो वैल्यू सेट करते हैं हम, एक तो अपर वैल्यू सेट करते हैं एक डाउन वैल्यू सेट करते हैं कि भाई हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए और मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो वैल्यू हम लोग सेट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमारा जो हमको फर्नेस जो है हमारी, उस फर्नेस का टेम्परेचर हमको कौन बताता है, थर्मोकपल बताता है कि हमने कौन सा थर्मोकपल वहाँ पे यूज़ किया हुआ, उसके अकॉर्डिंग बताता है। तो थर्मोकपल यहाँ पे हमारा वो फीडबैक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो अपना टेम्परेचर कंट्रोलर है वो अपना यहाँ पे वो कंट्रोलर है, उसी के अंदर एरर डिटेक्टर भी रहता है, कंट्रोल एलिमेंट भी रहता है। अब कंट्रोल्ड प्रोसेस क्या है, वो हमारे हीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम काम करता है और इसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को ही हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एरर का बता दिया मैंने आपको, इनपुट और फीडबैक सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कंट्रोल सिस्टम का। अगर आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल सिस्टम का कंप्लीट एक कोर्स चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, हम लोग कंट्रोल सिस्टम के ऊपर कंप्लीट एक कोर्स डिजाइन कर देंगे आपके डिप्लोमा के सिलेबस पे या फिर बीटेक के सिलेबस पे, ठीक है। आप लोगों को जैसे भी होगा आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो और बाकी यूट्यूब पे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, अपने फ्रेंडों के साथ में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।